बहुत अच्छी मूवी है। नहीं नहीं एक्चुअली ये जो मूवी ये है सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए और उससे लोगों को जागरूक करना चाहिए, जो यंग युवा हैं उनसे, हाँ जो यंग युवा हैं उनको एक मतलब एजुकेशन मिलेगा उस चीज़ को, जो नेगेटिविटी है वो उनके दिमाग में से निकल जाएगी। वो उनका रोल है वो एकदम बेस्ट है जो है, पाँच में से पाँच स्टार देंगे उनको जो है। अरे आप बोला बोला फिल्म बहुत अच्छी लगी। जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, यस यस बहुत अच्छा, 5 out of 5 बहुत अच्छे। भोलेनाथ का जिस तरीके से बताया गया सेक्स एजुकेशन प्लस रिलीजियस चीजें बताई गई, क्या लगता है लोगों की धार्मिक आस्था को टेस्ट पहुंचेगी? नहीं नहीं, आई थिंक नो सर। अक्षय कुमार का काम कैसा है सर? इट्स टू गुड, अमेजिंग, 100% सर, इट्स टू गुड। व्हाट इज स्कोर? 5 सर, 100%। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड मूवी एक्चुअली। या एक्चुअली सेक्सुअल सेक्स एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ, चिल्ड्रन शुड अंडरस्टैंड द गुड एंड बैड ऑफ सेक्स। या एक्चुअली नथिंग नथिंग, बिकॉज एवरी रिलीजन हैज गॉट अल्टीमेटली एवरी वन कम थ्रू द सेक्स ओनली। एंजॉयड एंजॉय, बहुत अच्छी थी। समझना चाहिए लोगों को, एग्जैक्टली बताना चाहिए। तो वो वैसी लैंग्वेज में बताए ना जिससे लोग और सोसाइटी एक्सेप्ट करे, जैसा मूवी में बताया। या ऑब्वियसली बहुत अच्छा था, फेवरेट है, बहुत बहुत ऑन डॉट। सॉरी आउट ऑफ 5 5 ऑब्वियसली 5 5। It's eye-opening, very eye-opening. It's awesome. Story के बारे में क्या कहना? Story is really nice because they are teaching them, they are giving them the knowledge about sex education. So it's nice. Sex education के साथ religious चीजें भी अटैच हैं, क्या लगता है लोग जब देखेंगे sentiment start होगा? As I don't think so like that. Okay. What do you guys say about Akshay Kumar as a Shivgarh? Superb. Oh. Logo ko pasand aaya film dekhte ho? Yes, of course, yes. What's the score out of 5? Out of? Out of 5. I would give 10, 100. Thank you. Hello sir, kaise hain film? Mast hai ekdam chal. Kaise hain sir film? All good. Achhi thi. Bahut achhi thi. As sex education ki baat kar rahi hai, kya lagta hai? तो मुझे कहे तो वो लोग कि ये चीज़ थोड़ी होनी चाहिए, मतलब अभी करंट जो सिचुएशन है इसमें ध्यान दे तो ये होना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए इसके लिए, और है सही है जो बोला है वो सही है। ओके, मूवी इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी पिक्चर है, बट मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट था कि 18+ बोला गया है, वाई? हाँ ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, इट्स अ सेक्स एजुकेशन और वो है बच्चों के लिए, तो जो बच्चे 5th standard से होते हैं उन सबको ये मूवी दिखानी चाहिए, बिकॉज व्हेन वी विल ओनली शो देम वी विल मोटिवेट, मतलब अगर हम मोटिवेट करेंगे बच्चों को दिखाएंगे ये सब चीज़ तो ही तो जाके होगी ना। अगर हम बोलेंगे 18+ ही देखेगी तो फिर उनके साथ ही चीटिंग है, क्योंकि बड़े ही आगे देख रहे हैं जिनको सबको पता है ये सब चीज़ होती क्या है। तो दिस मूवी स्पेशली मेड फॉर चिल्ड्रन, तो वो उनको दिखाना चाहिए, देन ओनली दे विल कम टू नो कि अरे हाँ वॉट एग्जैक्टली हैपन इन स्कूल, क्योंकि ये बुली वगैरह स्कूल्स में होती ही होती है, हर एक एज से गए हुए लोगों को पता है कि ये सारी चीज़ें स्कूल में करते हैं, तो अगर उनको ही पता चले कि ये राइट है या रॉन्ग है तो वी शुड बी, मतलब इट शुड नॉट बी ओनली 18+। धार्मिक चीज़ों के ऊपर तो नहीं है, धार्मिक चीज़ों के लिए तो कुछ नहीं है, देखिए धार्मिक चीज़ों का कोई वो नहीं है,
इट्स प्योरली ऑन सेक्स एजुकेशन। सेंटिमेंटल हर्ट का कोई है ही नहीं, धार्मिक का तो कुछ है ही नहीं इसमें, प्योरली सर। सी इज़ अ गुड एक्टर, ही इज़ अ गुड एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर और काफ़ी अच्छा है। मतलब जितना भी उन्होंने रोल किया है, एक्टिंग की है इसमें, जितना भी पार्ट ऑफ द दिया है उनको मूवी में, इट्स वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। इट्स एंटरटेनमेंट, इट एडुकेशन, एज आई टोल्ड यू कि एडुकेशन बड़ों को तो है ही है, उनको जाके बच्चों से बात करनी चाहिए, प्लस बच्चों को भी साथ में लाना चाहिए। सी आई हैव माई सन हु इज़ गोइंग इन कॉलेज 11th स्टैंडर्ड, एक बच्चा है जो 8th स्टैंडर्ड में, तो उनके साथ बैठ के मुझे देखना चाहिए मूवी, तो उनको भी समझ में आएगा ना कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि मैनी टाइम